नहीं निकला। भगवान श्री रामचंद्र जी का शोभा यात्रा अगर कोई निकालता है हिंदुस्तान में हजारीबाग में तो उसको जेल भेज दिया जाता है। तो भारत में नहीं निकालेंगे, पाकिस्तान में जाकर निकालेंगे। पाकिस्तान में आज हिंदुओं की स्थिति क्या है इसके बारे में पूरा विश्व चर्चा। क्या हो जाती है, हर आधे घंटे में कहीं ना कहीं चेन स्नेचिंग होता है, हर दो घंटे में कहीं ना कहीं बाइक चोरी हो जाता है, हर तीन घंटे में कहीं ना कोई बड़ी डकैती या फिर लूट खसोट हो जाती है। यह प्रश्न आप हमसे पूछिए तो मैं जवाब दूंगा क्या? कानून व्यवस्था मेरे हाथ में है, हम लोग केवल और केवल आंदोलनकारी है। हम लोग अवेरा जी क्या कुछ कहेंगे आप लोग? लगातार अमन जी को रिहा का नारा दे रहे हैं और आप लोग आज ग्रायलाल चौक में इस कार्यक्रम को समापन की ओर किए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने झारखंड सरकार का पुतला फूका और पुतला इसलिए फूकते हैं कि संविधान हमें इसी की इजाजत देता है। संविधान का हम सम्मान करने वाले हैं, अन्यथा हम लोग बहुत कुछ फूक सकते हैं। और अमन कुमार केवल एक नाम नहीं है, अमन कुमार हिंदू समाज का एक सदैव समर्पित रहने वाला, धर्म को लेकर के अपने राष्ट्र के उत्थान को लेकर के लड़ने वाला हिंदू समाज का एक कार्यकर्ता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है केवल और केवल इसलिए कि वो रामनवमी का जुलूस निकालता है उस क्षेत्र से जहां 42 साल से जुलूस नहीं निकला। भगवान श्री रामचंद्र जी का शोभा यात्रा अगर कोई निकालता है हिंदुस्तान में हजारीबाग में तो उसको जेल भेज दिया जाता है। तो भारत में नहीं निकालेंगे, पाकिस्तान में जाकर निकालेंगे। पाकिस्तान में आज हिंदुओं की स्थिति क्या है इसके बारे में पूरा विश्व चर्चा करते रहता है, लेकिन स्वयं भारत में हिंदुओं की स्थिति क्या है कि जय श्री राम का नारा लगाने पे महुदी नाम के जगह जहां 42 साल से और जो है हिंदू समाज को जुलूस निकालने नहीं दिया जाता था, भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा नहीं निकालने दी जाती थी, अमन कुमार एक शेर है जिसने उस शोभा यात्रा को निकाला और उसको पकड़ करके जेल में भेज दिया गया। और मैं खुले चुनौती देता हूं कि अगले वर्ष की शोभा यात्रा मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा, किसका बाप का औकात है देख लेते हैं शोभा यात्रा। जय श्री राम। कब तक आप लोग ऐसे लगातार प्रदर्शन करेंगे? देखिए, अभी झारखंड के विभिन्न जिलों में 8 से अधिक जिलों में बड़े बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं, विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। इस खूनी सरकार को, इस भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार को, इस विद्यार्थी विरोधी सरकार को, इस माताओं बहनों के विरोधी सरकार को, यहाँ हिंदू युवाओं के विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना हमारा पहला कर्तव्य बनता है समस्त हिंदू समाज का, और उसी के लिए हम लोग अभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आने वाले समय में पूरे झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में चरणबद्ध आंदोलन होगा अगर अनमन कुमार को जल्दी से जल्दी रिहा नहीं किया जाता है। लगातार हिंदू समाज को ही प्रताड़ना क्यों झेलना पड़ता है? देखिए, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं 2 बार जेल यात्रा कर चुका हूँ। कारण एक कि मैंने हिंदू समाज पे उठने वाले जो सवाल थे, हिंदू समाज के माध्यम से समाज के जो सवाल उठते थे कि इतनी बहनों का बलात्कार क्यों हो जाता है, इतनी हमारी माताएं बहनें आधी रात को रोड में निकलने में डरती है क्यों, झारखंड इतना असुरक्षित काहे है, इतनी ज्यादा हत्याएं, इतनी ज्यादा पाकेटमारी, इतनी ज्यादा डकैती, इतने ज्यादा चेन स्नेचिंग, इतनी ज्यादा बाइक चोरी, इतने ज्यादा अपराधियों का गढ़ तो अगर कोई है पूरे भारतवर्ष में तो वो झारखंड है। आप देखिए झारखंड से कितने आतंकवादी भी पकड़ाए हैं, वो जानते हैं कि अगर हम कहीं सुरक्षित है तो इस सरकार के संरक्षण में केवल केवल झारखंड में सुरक्षित है। तो झारखंड अपराधियों का गढ़ बना हुआ है, अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। कोई भी कितना भी बड़ा अपराध कर ले वो आराम से खुलेआम दौड़ सकता है, खेल सकता है और बड़े बड़े पार्टियों को अटेंड कर सकता है, लेकिन एक कार्यकर्ता अगर समाज को संगठित करके भगवान राम का शोभा यात्रा निकाल देता है तो उसको पकड़ करके जेल में ठूस दिया जाता है। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मेरे साथ अनगिनत कार्यकर्ता उस समय जेल गए थे, सभी का नाम बताना संभव नहीं है, पूरा झारखंड नहीं पूरा भारतवर्ष इस बात से अवगत है। तो जब तक जीवित रहेंगे अपने समाज और धर्म की सुरक्षा के लिए हम लोग रोड में उतरते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करते रहेंगे। लगता है आप लोग छोटे मोटे आंदोलन करके अमन कुमार जी को रिहा करवा लेंगे? देखिए, जो तरफा काम हम लोग करते हैं मूर्ख नहीं है कोई, यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, और कहते हैं ना कि युवा अगर चाहे तो पानी में आग लगा देता है। तो हम लोग दो तरफा काम कर रहे हैं। हम लोग ने कोर्ट के माध्यम से जिस प्रकार अपील किया जाता है बेल के लिए, हम लोगों ने अपील किया है, हमारा पक्ष मजबूत है और
जज साहब के सामने हमारा हमारे जो वकील है वो यही विषय रखने वाले हैं कि कोई गुनाह नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, केवल राम जी की शोभा यात्रा, भगवान से रामचंद्र जी जहां जन्मे यानी कि भारतवर्ष में निकाल रहे थे, तो मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन जेल में रहेंगे। जल्द से जल्द उनको निकालने का काम हम लोग करेंगे और जब तक नहीं निकलते हैं तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मतलब क्या सोच करके आगे जल्द से जल्द, देखिए हमें हमारे संविधान पे, हम हमारे कानून व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है, सरकार पे विश्वास नहीं है लेकिन संविधान पे पूर्ण विश्वास है और जल्द से जल्द अमन जी आप लोगों के सामने बाहर। वर्तमान की सरकार कहती है कि हिंदू यानी बीजेपी, हिंदू नहीं बीजेपी के एजेंट है हिंदुत्व का, तो मतलब अभी वर्तमान की सरकार को ऐसे क्या कुछ कहेंगे? देखिए हिंदू समाज के समर्थन में जो व्यक्ति खड़ा रहता है, हिंदू समाज के उत्थान के लिए जिस भगवान से रामचंद्र जी का मंदिर बनवा देता है, उस व्यक्ति उस विचारधारा के साथ है। मैं भी कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मुझे भी आज तक आप लोगों ने आज तक तो नहीं देखा होगा कोई पार्टियों के कार्यक्रम में। लेकिन आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है सर कि आप लोग जो है सो बीजेपी के नेता है। आप यही प्रश्न जा करके चंपई सोरेन जी से पूछिएगा जो अपराध हम लोगों ने आरोप लगाया है और उनका जो आरोप है वो सिद्ध करने की क्षमता भी हम लोग रखते हैं। आप यही विषय जाकर के चंपई सोरेन जी से पूछिए कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप बहनों की सुरक्षा करने में सक्षम है, आप विद्यार्थियों को और जो है उनका एग्जाम जेएसएससी का लेने में सक्षम रहे, उसका पेपर लीक करवा दिए, आप जो चेन स्नेचिंग हो रहा है इतना बड़ा बड़ा घटना घट जा रहा है पूरे झारखंड के, कोई घरी कोई गली कोई कोना कोई मोहल्ला सुरक्षित नहीं है, इसके विषय को लेकर के हिंदू समाज रोड में उतरता आपसे प्रश्न पूछता है। आप मीडिया वाले लोग केवल हम लोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि हम समाज में सामने आपके उपस्थित हो जाते हैं, कई जगह तो आप लोगों को भी घुसने नहीं दिया जाता है महाराज। प्रश्न उनसे पूछिए जिनके ऊपर दायित्व है, प्रश्न उनसे पूछिए जो बोर्ड लेकर के और बैठ करके इस राज्य के मुखिया बने हुए हैं और इस राज्य को संभालने की क्षमता उनमें नहीं है, बहनों की सुरक्षा करने की क्षमता नहीं है। आज भी ऐसा झारखंड में कोई दिन का कोई पेपर नहीं निकलता होगा जिस दिन कहीं ना कहीं दो तीन चार बहनों का बलात्कार हुआ होगा। कौन है इसका जिम्मेवार? झारखंड में हर 3.5 घंटा में एक बलात्कार होता है, हर 3.5 घंटा में एक बलात्कार होता है, हर 4 घंटा में एक हत्या हो जाती है, हर आधे घंटे में कहीं ना कहीं चेन स्नेचिंग होता है, हर 2 घंटे में कहीं ना कहीं बाइक चोरी हो जाता है, हर 3 घंटे में कहीं ना कोई बड़ी डकैती या फिर लूट खसोट हो जाती है। यह प्रश्न आप हमसे पूछिएगा तो मैं जवाब दूंगा क्या? कानून व्यवस्था मेरे हाथ में है, हम लोग केवल और केवल आंदोलनकारी हैं, हम लोग समाज को जागरूक करने वाले हैं, समाज के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं, जो दायित्व बैठे हुए हैं, जो पोस्ट बैठे हुए हैं, ये प्रश्न उनसे जाके पूछिए, ये हम लोगों का प्रश्न है। अच्छा आप कब हजारीबाग कब जा रहे हैं आंदोलन के लिए? देखिए हम लोग हजारीबाग जाकर के अमन जी से हम लोग मिलेंगे भी, उनके परिवार से ही मिलेंगे और 1 से 2 दिन के अंदर आपको इसका खबर मिल जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद। भैया साइड रहने दीजिए।
मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद